हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे दो तरह से मंचूरियन, ड्राई वेज मंचूरियन और ग्रेवी वेज मंचूरियन। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी पत्ता गोभी लिया है, जिसे हमने इस तरीके से काट लिया है। इसे हम डाल देंगे, एक कटोरी गोभी डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ, आधा कटोरी कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे, एक प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई, एक शिमला मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई। आप चाहे तो इस मंचूरियन को सिर्फ पत्ता गोभी और प्याज से भी बना सकते हैं, या फिर गोभी और प्याज से भी बना सकते हैं। इससे हम दोनों ही मंचूरियन बनाकर तैयार करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, 3 चम्मच मैदा डाल देंगे, 1 से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसका मंचूरियन बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें हम डाल देंगे तेल और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे पलटते हुए। तो अब ये गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के बचे हुए बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो हमने सभी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल रखेंगे और बाकी के तेल को हम निकाल लेंगे। और अब हम इस तेल में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच अदरक डाल देंगे बारीक कटी हुई, 3 हरी मिर्च डाल देंगे जिसे हमने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसे हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटी हुई प्याज, 1 शिमला मिर्च कटी हुई। इसे हम मिला लेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पे। इसे हमें बहुत ही ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हम बस थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम एक कटोरी में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसमें हम थोड़ा पानी डालकर इसे घोल लेंगे। अब 2 मिनट पूरा हो चुका है और ये हल्का सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस।
दो चम्मच टमाटो केचप, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच विनेगर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर की जगह पे आप एक चम्मच रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। मिला लेंगे इसे और अब हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर का घोल डाल देंगे। तो इसे हम इस तरह से मिलाकर डाल देंगे। आधा कप से भी थोड़ा कम हम इसमें पानी डाल देंगे। मिला लेंगे इसे। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इसमें हम उबाल आने देंगे। तो अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो एक बार इसे हम फिर से मिला लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें हम मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। जितना हमने मंचूरियन बॉल्स बनाया है उसका आधा हम इसमें डाल देंगे। इसे हम मिला लेंगे। अब ड्राई वेज मंचूरियन बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे ग्रेवी वेज मंचूरियन। फिर से मैंने कढ़ाई में दो चम्मच तेल डालकर गर्म कर लिया है। अब हम इस तेल में डालेंगे एक बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटी हुई, एक चम्मच से थोड़ा कम हम बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे, तीन हरी मिर्च डाल देंगे जिसे हमने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। मिला लेंगे इसे और इसे हम बस कुछ देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक कटी हुई प्याज, एक छोटे साइज का कटी हुई शिमला मिर्च। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसे एक मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब एक मिनट पूरा हो चुका है और ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक से डेढ़ चम्मच ग्रीन चिली सॉस, तीन चम्मच टमाटो केचप, डेढ़ चम्मच सोया सॉस, डेढ़ चम्मच विनेगर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि सभी सॉस में नमक होता है। आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर की जगह पर आप इसमें एक चम्मच सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। मिला लेंगे इन सभी चीज़ों को। अब हम इसमें डाल देंगे डेढ़ से दो कप पानी। मिला लेंगे इसे। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। यहाँ पे हमने डेढ़ चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे घोल लेंगे। तो अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ये घोल मिलाकर डाल देंगे। तो सभी घोल को हम एक साथ नहीं डालेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घोल डालेंगे और इसे हम मिलाते जाएंगे। तो घोल डालकर हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और ये उबलने भी लगा है। अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। मिला लेंगे इसे और हाई फ्लेम पे हम इसमें एक से डेढ़ मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। तो
अब 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ग्रेवी वेज मंचूरियन बनकर तैयार है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।